इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधे आपको सुनवाते हैं। ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ सकती है, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, आईसीयू कितने बेड्स की जरूरत पड़ सकती है, मैन पावर कितनी जरूरत पड़ेगी, इन सारी चीजों का जायजा लिया। जहां तक बेड्स का सवाल है, पिछली बार जब कोरोना आया था तो लगभग 25,000 के करीब बेड्स हम लोगों ने स्केल अप किए थे उस टाइम। अभी इस वक्त हम लोगों ने 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं। 30,000 ऑक्सीजन बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 आईसीयू बेड्स हैं। इसके अलावा 6,800 आईसीयू बेड्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। तो 10,000 आईसीयू बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके, 6,800 अंडर कंस्ट्रक्शन, 17,000 आईसीयू बेड्स हमारे पास कुछ समय में बन के तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा हमने इस तरह से इंतजाम किया है कि हर वार्ड में, हर म्युनिसिपल वार्ड में 100-100 ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर पाएंगे हफ्ते के नोटिस पे। तो इस तरह से 270 वार्ड है, तो 27,000 ऑक्सीजन बेड्स हम शॉर्ट नोटिस पे, 2 हफ्ते नोटिस पे और तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे बेड्स मिला के हुए 63,800 बेड्स हम लोग तैयार, इसके लिए तैयार हैं या तैयारियां चल रही हैं। 63,000 लगभग 64,000 बेड्स की हमारी तैयारी है। इसके लिए जितनी भी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, वो सारी मैन पावर भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है और सारी मैन पावर भी तैयार की जा रही है। 32 किस्म की मेडिसिन्स हैं जो कि हमने कमेटी बनाई थी, 32 किस्म की मेडिसिन्स हैं जिसको अलग अलग तरीके से कोरोना के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। उन सारी मेडिसिन्स का 2 महीने का बफर स्टॉक ऑर्डर किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से दवाइयों की कमी ना पड़ सके। होम आइसोलेशन जो किया जाता है, तो होम आइसोलेशन के लिए भी सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। हैंडलूम इंडस्ट्री जो ऑक्सीजन के लिए, हमारे पास जितने अस्पताल हैं दिल्ली के, उन सारे अस्पतालों का मिला के लगभग 750 के करीब एमटी, 750 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। लेकिन पिछली बार सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की, एक ट्रेन आ गई पूरी की पूरी ऑक्सीजन के टैंक लेके, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि जहाँ पे वो ऑक्सीजन को हम स्टोर कर सकें। उससे निपटने के लिए हमें 442 मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी, एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बना ली है। स्टोरेज टैंक अब हमारे 442 मीट्रिक टन के स्टोरेज टैंक तैयार हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी दिल्ली की कैपेसिटी। दिल्ली में पहले ऑक्सीजन बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, जीरो कैपेसिटी थी हमारी। अब हमने पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स बनाए हैं, 121 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब दिल्ली में बननी चालू हो गई है। पिछली बार आपको याद होगा कि हर हॉस्पिटल कह रहा था मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई, मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई। पूरी उसके साथ हम लोगों ने सबकी ऑक्सीजन का इंतजाम भी किया सब लोगों ने मिलके। कहीं कहीं देखने में आया कि कुछ लोगों ने गलत बोला या जैसे जो भी था। अब हमने सारे जितने दिल्ली में ऑक्सीजन टैंक्स हैं, चाहे किसी हॉस्पिटल का है, चाहे हमारे बड़े टैंक्स हैं, छोटे टैंक्स हैं, इसमें टेलीमेट्री डिवाइस लगाने के ऑर्डर दे दिए हैं। इस डिवाइस से रियल टाइम बेसिस पे हमारे इस कंट्रोल रूम में, वॉर रूम में, हर मिनट में पता चलता रहेगा कि किस टैंक में कितनी ऑक्सीजन इस टाइम मौजूद है, कहाँ ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। इससे हमें अपने ऑक्सीजन मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। पिछली बार हर अस्पताल के अंदर सिलेंडर तो होते ही ऑक्सीजन के, उसके अलावा स्पेयर कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास सिलेंडर्स की, ताकि मान लीजिए हमें एक्स्ट्रा कहीं पे बेड लगाने पड़े तो हमारे पास कोई सिलेंडर, खाली सिलेंडर भी नहीं थे। 6,000 सिलेंडर हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट कर लिए हैं, और अब हमारे पास 6,000 डी टाइप सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर्स मौजूद हैं। इसके जरिए हम कई सारे नए बेड्स तैयार कर सकते हैं किसी भी बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में या कहीं और। हमारे पास अभी 3 रीफिलिंग प्लांट्स हैं दिल्ली के अंदर, प्राइवेट रीफिलिंग प्लांट्स हैं, जिनकी कैपेसिटी है 1500 सिलेंडर पर डे भरने की। इसके अलावा हमने 2 बॉटलिंग प्लांट, सरकार ने 2 बॉटलिंग प्लांट्स और लगा लिए हैं,
उनकी की भी कैपेसिटी लगभग 1400 के करीब है, तो 2900 सिलेंडर भरने की कैपेसिटी पर डे की अब दिल्ली की हो गई है। पिछली बार सबसे बड़ी दिक्कत यह भी आई थी कि ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे हमारे पास। सरकार कहती थी भाई पानीपत से मंगा लो ऑक्सीजन, हमारे पास टैंकर ही नहीं थे क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन बनती नहीं है। अब हम 15 टैंकर खरीद रहे हैं, 15 ऑक्सीजन के टैंकर खरीद रहे हैं। उम्मीद है कि एक महीने के अंदर 15 टैंकर दिल्ली के आ जाएंगे। वैक्सीनेशन की स्थिति दिल्ली में अच्छी है, 93% लोग जो हैं वो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, 57% लोग सेकेंड डोज लगवा चुके हैं। मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के, जो सेकेंड डोज जिन्होंने नहीं लगवाई, उनकी जिनकी ड्यू हो गई है, कि वो भी आगे आके सेकेंड डोज जल्द से जल्द लगवा लें। तो ये कुछ एक तैयारियां, हमने तैयारियों का जायजा लिया। मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि ओमिक्रॉन वायरस ना आए, थर्ड वेव ना आए। बड़ी मुश्किल से हमने पूरे देश ने इस वायरस का मुकाबला किया, लेकिन अगर आती है तो हम तैयार हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार।